हाँ, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने कैसे अपने प्रीसेट्स खुद के बनाए थे, कस्टम प्रीसेट्स कैसे बनाए थे और प्री डिफाइंड प्रीसेट्स क्या होते हैं और एलियस क्या होता है, वो सब देखा था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके खुद के प्रीसेट बनाओ आप और उनको उनसे आप बल्क काम कैसे करा सकते हो, बल्क वीडियोज़ पर काम कैसे कर सकते हो, मतलब बहुत सारे वीडियोज़ पर एक साथ एक ही काम, और वो काम क्या है, जैसे लट्स लगाना, किसी एक ही लट को सारे वीडियोज़ पर लगाना, कस एक्सपोर्टिंग के टाइम इमेज ओवरले लगाना या टाइम कोड वगैरह लगाना, वो बताता हूँ कैसे लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे बल्क लगाना है तो मैंने सबसे पहले तो इन दोनों को उठा के यहाँ डाल दिया कि मुझे ये सोर्स चाहिए कुछ भी, ठीक है। और मैंने किया, मैंने कहा जी आप एक नया प्रीसेट बनाओ, उसका नाम हो B-H264 BSD हो, और उसके अंदर ये चलेगा क्योंकि मुझे आपको बल्किंग दिखानी है। देखिए इसमें आप लिमिटेड लुक, आप लट लगा सकते हो, आपने कहा कि चलो जी मुझे ये लगाना है, या फिर ये ना लगा के हम लोग एडोबी का जो गामा कंपनसेशन है, शायद आप लोगों को ना पता हो गामा कंपनसेशन एक लट है, वो मैंने लगा दिया। और इमेज ओवरले लगाया मैंने, मान लीजिए मुझे इमेज चाहिए मास्किंग, मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज चाहिए, और नेम ओवरले में मुझे यहाँ पे चाहिए संदीप, ठीक है। बस चलो टाइम कोड भी डाल देते हैं, टाइम कोड डिस्प्ले ऑन किया और मैंने कहा मीडिया फाइल के अकॉर्डिंगली आप टाइम कोड लगा दो। आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, साइज कर बड़ा चढ़ा कर सकते हो, पर देखिए आपको यहाँ दिख नहीं रहा कुछ भी कि आपका वो जो ओवरले आएगा वो कहाँ पर आएगा, टाइम कोड का ओवरले, ठीक है। चलो फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ। मेरा जो टाइम कोड ये था बी प्रीसेट का नाम, और मैंने प्रीसेट यहाँ डाला, ठीक है। और प्रीसेट डाल के मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए वो कहाँ पर आ रहा है, संदीप भी आ रहा है, टाइम कोड भी आ रहा है, और एक ओवरले भी आ रहा है, ठीक है। पर मुझे वो तो नहीं चाहिए ना भैया, यहाँ पे हटाओ इसको, इसको हटाओ, पूरा वीडियो ही ढक गया, तो मुझे वो क्यों चाहिए होगा। इमेज ओवरले, नेम ओवरले हटाओ, टाइम कोड ओवरले हटाओ, ये तो पूरा ढक गया। मुझे तो एक्सपोर्टिंग के टाइम करना था ना, तो हाँ आप एक्सपोर्टिंग के टाइम अब कर सकते हो, आपका लग के तो आएगा ही आएगा, वो आपने आपने प्रीसेट ही ऐसा डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और इमेज ओवरले और नेम ओवरले सब आएगा, अब इनको हम लोग एडिट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल, सब दिया ही था, ये तो लिमिटरी वाला है, छोड़ो उसको। इमेज ओवरले जो है आप इसका साइज थोड़ा छोटा करो, भैया बहुत बड़ा हो गया। जैसे आप लोग लोगो वगैरह लगा सकते हो अपने वीडियोस में, और इसको ऑफसेट कर दो कि भाई मुझे ये आपको, चल भाई उधर, कहाँ चला गया तो भाई, कहाँ चला गया, जीरो करो पहले, दोबारा लगाता हूँ, क्लियर कर दो, दोबारा लगाता हूँ, तेरे कहाँ भाग गया। ये रहा, ठीक है, ओपन, तेरे कहाँ भाग गया, ठीक है ये रहा। आप इसको सेट कर सकते हो यहाँ से, उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, उसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा का, वो अभी भी मूव कर रहा है, क्योंकि मेरे क्या इस टाइम प्रीमियर भी खुला है, ऑडिशन भी खुला है, एनकोडर भी खुला है, OBS भी खुला है, और आज ही अपडेट होने हैं मेरे सारे लैपटॉप की, ठीक है। और ये उसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, देखिए कितनी फटी कम हो गई, कम ज़्यादा हो गई। और जो नेम ओवरले है, नेम ओवरले में मैंने प्रीफिक्स में लगाया था संदीप, फिर फाइल का नाम है, सोर्स फाइल का नाम है, और फिर मैंने सफिक्स में कर दूँ सिंह, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। आप मतलब नेम ओवरले में डाल सकते हो, उसका साइज सॉरी ऑफसेट कर सकते हो, साइज, उसकी ओपेसिटी, सेम चीज़ टाइम कोड डिस्प्ले के साथ है। मैं चाहता हूँ टाइम कोड बॉटम राइट में आए, तो बॉटम राइट में आ रहा है, उसका साइज, और मैंने किया चलो इसको ओके, ठीक है। तो ये हो गया, अब इस पर ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ चलेगा, ठीक है। अब मैं आउटपुट लूँगा तो वो सब चीज़ें मेरे उसके साथ आएंगी। जैसे आपको कभी कभी किसी क्या अपने टीम पे काम कर रहे हो, या आपको अपने बॉस को या किसी सीनियर को कुछ क्लिप भेजनी है, तो आप क्लिप भेज सकते हो। टाइम कोड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो लोग चेक कर लेते हैं, और आपने मान लो को एक्सपोर्ट किया है टाइम कोड के साथ, तो वो लोग चेक करेंगे और बोलेंगे कि भाई फलाना फलाना टाइम कोड पे ये प्रॉब्लम था, तो आप इसको ठीक कर दो, तो टाइम कोड उनके लिए रहता है। ओवरलेज वगैरह में आप अपना लोगो या अपनी कोई भी कंपनी का लोगो या अपने यूट्यूब चैनल का कुछ भी आप डाल सकते हो। और नेम ओवरले भी वही, बॉस को चेक करना है भाई
फलाना फलाना सीन का फलाना फलाना शॉट है, कैमरा ये वो आप डिफाइन कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ हुई कि आपने सिंगल में चेंज किया। अभी मुझे मालूम है दोनों को इसके ऊपर भी मैंने सेम ये लगाया प्रीसेट और अंदर जाके मैंने ये चेंज कर दिया दोबारा इसके ऊपर भी। तो ये बार बार करना पड़ रहा था ना, प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही है। अब मैंने इसको पकड़ा, इन दोनों को ड्रैग किया, ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट किया। और एनकोडर, मैं एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट बताना भूल ही गया कि मीडिया एनकोडर एक्चुअली जब भी आपका ये प्रीसेट लेता है, जो भी आपने लास्ट अप्लाई किया है वो प्रीसेट यहाँ पर ले लेता है। यार ये तो सबसे पहले बताना चाहिए था मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। जो भी लास्ट प्रीसेट होता है वो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है। अभी एक काम करता हूँ मैं, एक इस प्रीसेट को कॉपी पेस्ट करते हैं। इस प्रीसेट को मैंने किया डुप्लीकेट और इसका मैंने नाम दिया इस बार बी, ठीक है, और मैंने इस बी को उठा के इसके ऊपर डाला, बी आ गया। अब मैं गया इनके ऊपर तो ये बोल रहा है यू आर अबाउट टू एडिट एनकोडिंग सेटिंग फॉर मल्टीपल आउटपुट्स, द सेटिंग्स ऑफ ऑल सेलेक्टेड आउटपुट्स विल बी रिप्लेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। बता रहा है कि भाई आप इकट्ठा सब पे काम कर रहे हो। मैं कहा हाँ जी कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके पे जाओ, आपको जब जो चेंज करना है कर दो, आपका सारी क्लिप्स के ऊपर ये चेंज हो जाएगा। हाँ यही है एक्चुअली बल्क। आप लट लगा सकते हो एक्सपोर्टिंग के टाइम, आप इमेज ओवरले लगा सकते हो, टाइम कोड वगैरह लगा सकते हो, वो भी बल्क में एक साथ बहुत सारे क्लिप्स में एक्सपोर्टिंग के टाइम। तो ये था बल्क में काम करना। पड़ती है ज़रूरत मुझे तो, बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुझे तो, यूट्यूब के लिए नहीं दूसरे कामों के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं क्या बताऊँगा। बाय बाय।